हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हम सब यहाँ खैरियत से हैं। मेरी तबीयत जो ठीक अभी थोड़ी सी ठीक हुई है, बट इतना नॉर्मल मतलब कोई फर्क नहीं आया हुआ। अभी भी कफ मेरे को बहुत ज्यादा है। तो आप सीधा हम आपसे किचन में ही बात करेंगे, क्योंकि किचन में हो क्या रहा है। देखो जी, ये यहाँ पे मूली की परांठे की तैयारियां हो रही है। ये देखो, ये मारू यहाँ पे लगी हुई है। सुबह सुबह टेर बटन दे दिया हमें इसको धोने के लिए। सुबह सुबह दे दिया हमारे टेर बटन धो। आज का प्लान क्या है वो थोड़ा सा प्लान करते हैं, क्या प्लान है। और उसके बाद आज 31st है, तो एडवांस में करो कि नहीं करो? नहीं नहीं, 12 बजे करेंगे आपको, ठीक है। ये मूली डाल दी है तड़के में। अब ये ना इसको थोड़ा सा पानी सुखाएंगे, स्टफिंग बनाएंगे इसकी, ठीक है। सारा बंदोबस्त ना किचन में होने वाला है। हमें इतनी ठंड लग रही है सच में यार, यहाँ बहुत ठंड है कसम से। तो ये देखो बशल मिले, देखो जी चेक करो, मलाई विद परांठा, मूली वाला परांठा। ये आज मुझे बादशाह वाला फीलिंग दे रही है। कौन दे रही है? डाली 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 कह रही है दीदी आप काम ही करते रहते, इसलिए आज मैं आपको बादशाह वाला फीलिंग दूंगी। तो चलो चाय बिना भूल ना, अदरक वाली चाय बनवाई हुई है। ये देखो, देख रहे हो गुजरात का सिस्टम? देख रहे हो गाइस, देख रहे हो गाइस, गाइस देख। ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, फिर आपसे बात करते हैं ब्रेकफास्ट करने के बाद। चलिए अब ये दिखाती हूँ अभी मैं क्या काम करने वाली हूँ ना। तो ये कपड़े देख लो भाई, कपड़े सपड़े सारे पड़े हुए हैं, तो इनको मैं थोड़ा सा आयरन कर लूंगी। तो फिर उसके बाद जी बाहर का इसको मैं लगा रही हूँ ऑन करने के लिए, ठीक है। तो थोड़ा सा बाहर का दिखाती हूँ ये क्या कर रही है, मस्ती मस्तियाँ इधर हो रही है, हलवे की तैयारी हो रही है यहाँ पे। गाजर का हलवा बनेगा आज, ठीक है। और ये मजे किससे ले रही है देख, बताती हूँ आपको म्यूजिक के साथ। ठीक है, म्यूजिक फुल टू ऑन है और गाजर जो है वो कद्दूकस की जा रही है। एनर्जी इनके डेड हो गई है, ठीक है। और बिल्लू, बिल्लू बिल्लू ने ब्रेकफास्ट वेकफास्ट कर लिया हुआ अपना। तो थोड़ा यहाँ से बाहर का वेदर दिखाती हूँ आपको। ये देखो थोड़ा आज भी थोड़ी सी नॉर्मल सी फॉग है, बट नहीं आज थोड़ा सा ठीक ही लग रहा है। थोड़ा सा ना मैं एडजस्टमेंट कर रही हूँ लाइट की, ठीक है। अच्छा देखो जी बाहर का वेदर कैसा लग रहा है, फॉगी फॉगी बट इतने नहीं है, ठीक है, पहले से बहुत बेटर हो गया अब। तो ये बोल रही है मैंने इनका रिमोट ले लिया, आवाज कम हो गया, एनर्जी इनकी डाउन हो जाती है जैसे म्यूजिक ऑन होता है ना, तो इनकी एनर्जी इनकी होती है। मेरा बिल्लू, पिल्लू बिल्लू बोल कुछ ऑडियंस को, से समथिंग बेबी। व्हाट यू वांट, यू वांट टू किस मी? नो बेबी, यू वांट टू किस मी? से हाय, यू मस्ट कॉल मेरा, हाय बोल, हाय बोल इधर, इधर मुंडी कर। हाँ Say hi. Hello viewers. How are you all? Billu is fine. Dog lovers ना ये बताओ हमारे बिल्लू कैसा है, हमारी बिल्ली कैसी? बिल्लू 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 शेर बिल्लू है मेरा। अच्छा ये ले ये ले ये ले। What happened? What happened baby? वो देखो एनर्जी उनकी डाउन हो रही है, रिमोट दे दो इनको। मैं और बिल्ली बहुत अच्छे से बातें कर रहे थे ना, बातें नहीं करने दी, कहते हैं कि म्यूजिक ऑन तो एनर्जी ऑन, ठीक है, विदाउट म्यूजिक इनकी एनर्जी नहीं होती है। दिखाओ आपको देख क्या रही है, देखो जी इनकी एनर्जी। एनिमल मुझे समझ नहीं आई, एनिमल में भी आजकल मुझे समझ नहीं आया अभी तक कि एनिमल कौन था इसमें, इंसान जानवर बन गया हुआ है आजकल, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, इंसान इंसान नहीं है, जानवर नहीं है। म्यूजिक ऑन कर रहे, देखना एनर्जी, देखना इनकी जैसे म्यूजिक ऑन। देखा मशीन स्टार्ट हो गई, म्यूजिक ऑन होते ही मशीन स्टार्ट हो गई। देखो म्यूजिक ऑन करो और सारा काम करो अपना, ठीक है।
ये कर लेते हैं, फिर उसके बाद ना हम जाएंगे दूसरे काम पे। अभी मैं ना टेरेस पे जा रही हूँ कपड़े डालने, कपड़े मैंने डाल दिए। हेल्थ भी अभी ठीक ही नहीं हो रही है, नॉर्मल सी हुई है। कल मैंने मेडिसिन भी लाई, डॉक्टर को भी चेक करवाया। गला ना बिल्कुल ऐसे हो गया, रात को ना अच्छे से सो भी नहीं पाती हूँ मैं, इतना कफ होता है मेरे को कोई हिसाब नहीं, बिल्कुल मेरा गला जाम हो गया। अच्छा मुझे बताओ जम्मू का वेदर कैसा है, वहाँ पे क्या है, धूप छूप निकली है कि नहीं? यार ये जब मैं यहाँ पे आई हूँ वहाँ पे तो धूप तो मेरे को निकली नहीं, सूर्य देवता जी मैंने देखे नहीं यहाँ पे, वहाँ पे सिर्फ आसमान भी कभी मुझे क्लियर नहीं दिखाई, देखो ऐसे ही है। पर यहाँ यार बड़ा मज़ा आता है यहाँ पे, ठीक है मेरा दिल कर रहा है मैं यहीं पर रह जाऊँ। हाँ सभी मेरे को बोल रहे हैं कि यहीं पे रहो, स्कूलिंग भी यहीं कर लो, सब कुछ यहीं कर लो, यहीं जॉब करो, बट यार आना पड़ता है ना, मेरे जम्मू वाले बच्चों का क्या होगा, है ना, मैं उनके बारे में सोचती हूँ, वो भी मेरे को मिस कर रहे होंगे। मिस कर भी रहे हो कि ऐसे मैं तारीफें कर रही हूँ झूठी, करते हो मेरे को मिस? कमेंट में बताना कौन कौन मुझे मिस कर रहा है। वेकेशन थी यार 10 days की, तो मैंने सोचा चलो घूम के आते हैं, स्पेशली आपके लिए ब्लॉग्स बना के लेके आती हूँ, अच्छे 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 आपको दिखाती हूँ अमृतसर की क्या क्या चीज़ें कौन कौन सी जो आप लोगों ने नहीं देखी होंगी, है ना। तो आज देखते हैं आज कहाँ जाएंगे कहानी। हेल्थ भी ना साथ नहीं दे रही है, तभी फिर बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे लिए बाहर निकलना, फिर घर पे आना। सच्ची कह रही, देखो मेरी खांसी, गला मेरा बिल्कुल जाम हो गया मेरे ना यार, एडजस्ट यार, सपोर्ट करो यार मेरे को प्लीज़, सारे मिलके, मेरे को आपसे बड़ी उम्मीदें हैं, सच्ची कह रही हूँ। और सच्ची बात बोलूँ, एक दिल से बात बोल रही हूँ, मेरे को ना यहाँ पे बहुत प्यार मिला यार, मैं कहीं भी शूट करने जा रही हूँ जो कुछ भी है ना, मेरे को इतना मुझे ऐसे फील हुआ कि जैसे सेलिब्रिटी होता है ना वैसे, जैसे मेरी फीलिंग यहाँ पे आई है, यहाँ पे आके ना मुझे बड़ा सा फील हुआ, मतलब ऐसे मुझे लग ही नहीं रहा है कि मैं ना जम्मू से बाहर आई हूँ या कोई ऐसी जगह आई हुई हूँ, तो ऐसे मुझे बड़ा अपना सा लग रहा है यार यहाँ आके, मैंने सोचा भी नहीं था, अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए ये सब चीज़ें ना, दिल से बोल रही हूँ। मैं आपसे ऊपर छत पे बात कर रही थी, करते करते ना मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया, सॉरी यार बात ही हमारी कट हो गई। तो मैंने शावर ले लिया, तो शावर लेके मैं अभी बाहर आई हुई हूँ, तो देखते हैं अब मैं गाजर का हलवा बोल रही थी, तो देखते हैं इन्होंने क्या किया, जब किचन में लेके चलती हूँ आपको दिखाती हूँ क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। तो ये देखो जी बन गया गाजर का हलवा, दिखाओ जरा क्या बनाया आपने, ये देखो जी गाजर का हलवा, गाजर का हलवा। 31st की हम तैयारी कर रहे थे, ये मेरे को शूट ही नहीं करने देते, पीछे से चैल 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 लगाई हुई है इन्होंने, ये सारी लाइन डॉली की है, मुझे बोलनी पड़ रही है, ये मैं और डॉली ने नहा लिया हुआ है, तो ये जो है ना इसने नहीं नहाया, मैं रोज नहाती हूँ, ये दो लोग आज नहाए हैं, आज नहीं नहाया हम, मैं रोज हम डेली नहाते हैं, ऐसी बात नहीं है, डेली किससे नहाते हैं, परफ्यूम से, डेली परफ्यूम से नहीं नहाते, इतने अमीर भी नहीं हो, इतने अमीर है ये लोग परफ्यूम से नहाते हैं, कल परफ्यूम से नहाए थे, एक दिन हम परफ्यूम से नहाए थे, ऐसी बात नहीं, डॉली ऐसे 5 बजे उठ के नहाती है में। नहीं यार बता क्या सच्ची बोल रहे हैं, डॉली अपने सपनों में नहा रही होती है, उठते ही बोलते हैं मैं तो फ्रेश हूँ, उठ ही दो सीधा। नहीं नहीं भाई सिर्फ मैं और डॉली कल परफ्यूम से नहाए थे, पैसे बड़े हैं ना हमारे पास, समझ नहीं आ रही कहाँ लगाए परफ्यूम लगा रहे हैं, परफ्यूम ला के रखे ना, एक दिन हम परफ्यूम से नहाते हैं, एक दिन हम डॉली पानी से नहाते हैं ना, साबुन से, पानी और साबुन से, गरीब गाइस हम, गरीब ये ग्रीप्स, हम ग्रीप्स रोज साबुन से नहाते हैं, हम अमीर है, अच्छा गरीब है तो तभी गाजर का हलवा खा रहे हैं, पता है गाजर का हलवा कितना महंगा है, इस गाजर के हलवे में हमने ड्राई फ्रूट डाला है, देखो महंगा वाला, और बादाम, लॉट्स ऑफ खोआ, आप पता नहीं क्या बोलते हैं, खोए खोए बोलते हैं, क्या बोलते हैं यार, हम तो खोआ खोए बोलते रहते हैं, जैसे हमारा मुंह बेचारा कहीं खो गया था, हम लब के ले आए, हाँ इधर खोआ भी हमने लब के लाया, पता है ये यहाँ पे कुछ और बोलते हैं ना, अलग अलग होता है, जैसे हर एक की लैंग्वेज का अलग, जैसे हम जम्मू वाले कुछ और बोलते हैं किसी चीज को, तो यहाँ पंजाब में कुछ और बोलते हैं, तो वेरिएशंस है थोड़ी थोड़ी, पट्ठे पट्ठे पहला वर्ड सीखा यहाँ, पट्ठे पट्ठे मैंने भी पट्ठे, जब मैंने मेरा पट्ठे वाला ब्लॉग देखना, पट्ठे वाला ब्लॉग जरूर देखना, हाँ जो मेरा पिंड वाला ब्लॉग अगर आप मेरा देखोगे ना, बड़ा सही है यार, मेरे को बड़ा मजा आया वहां पे भी, पहली बार मैंने ये सब काम किए,
ऐसे तो मेरे को पता है सारा कुछ यार, पर फिर भी मैंने पता सारा कुछ है गाइस, ये पिंड में ही रहती है, मेरे को बड़ा मजा आता है यार पिंड पिंड में, आपको मजा आता है? अडॉप्ट किया गाइस, मैं बोल रही हूँ कोई पिंड वाला मुझे अडॉप्ट कर ले, कसम से मैं बोल डॉली को बोल रही हूँ डॉली और तू बाहर जाएगी ना ये फॉरेन जाने वाले, देख लो भाई शक्ल इसकी फॉरेन जाने वाली है, ये लड़की दोस्ती करो इसे इंस्टा में फॉलो करो इसको, रास्ते में जा रही है सच्ची जा रही है, मैंने इसको बोला जैसे तू बाहर जाएगी ना मुझे अडॉप्ट कर लेना, मैंने संदीप को भी ऑफर दिया, वो देखते दोनों में से मेरे को कौन अडॉप्ट करता है यार, कर लो यार मुझे फॉरेन वाले उठा के ले जाओ भाई, तुम मेरी कसम है तुम्हें सच्ची कह रही हूँ, तुम भगवान की कसम मेरे को उठा के ले जाओ यहाँ से, हे रब इन्हू कोई फॉरेन वाला चुके, हाँ मेरे को कोई फॉरेन वाला चुके ले जाए, रब कोई ऐसी मेहर कर मेरे ऊपर, तो मेरे को कोई अडॉप्ट कर ले, कोई अंग्रेज अडॉप्ट कर ले मेरे को, ताकि ना मैं फॉरेन में जाके भी ब्लॉग बनाऊं और फिर आपको दिखाऊं फॉरेन के स्टाइल क्या क्या नहीं, ठीक है? तो मैं वो मेरे बड़े अरमान है यार फॉरेन जाने के, पता नहीं क्यों ऐसे रहने के नहीं है, ऐसे ब्लॉग श्लॉग शूट कर लूंगी वहां पे और क्या करूंगी, ठीक और क्या कहते हैं ये हलवा शलवा बना रहे हैं, तब तक मैं आपको बता दी, विली विली ये देखो विली बेचारी सोई हुई है, विली नींद पूरी कर ली आपने, देखो जी इन्होंने अपने फोन शोन पकड़ लिए हुए हलवा बना रहे, फिर जान हाँ जाके उधर रीलें बड़ी अच्छी बनाती है ये, मैंने इसको बोला गरीब का भी कोई सुन लो मुझे आईफोन गिफ्ट कर दो, आईफोन चाहिए भाई इसको, ये भी आईफोन फैन है, ये भी आईफोन फैन है, तो हम जैसे गरीब हमें कोई भी चल जाता है, हमें क्या करना, 31st है तो फिर उसके बाद आप लोगों ने क्या क्या प्लानिंग की हुई है कुछ तो हमारे साथ शेयर करना अपनी प्लानिंग है, ठीक है? रेजोल्यूशन क्या है आपका, एम रहने वाला है इसका, अब देखो मेरी बात सुनो, मेरे मेरे ब्लॉग्स में, मेरे ब्लॉग्स में आपने इसको देखा है ना देखा ना आपने, ये पीछे ऐसे बैठी रहती है, पहली बार ये बोली है, इस चीज में ना एक हार्ट भेज देना अपना, ठीक है? हार्ट भेज देना, ठीक है? क्योंकि ना देख लो भाई पहली बार इसने कोई हैंड मूवमेंट भी की हुई है और फिर बोल भी रही है, हाँ सही बात है, ये देख लो भाई पुतला बोलने लगा है मेरे ब्लॉग में, पहली बार पुतला बोलने लगा, तो इस बात में क्या देते, कुछ तो रिएक्ट करना चाहिए ना, कुछ तो रिएक्ट करना चाहिए, क्या बोलते हो आप, है ना? रिएक्शन तो आनी चाहिए, तो रेजोल्यूशन इसका जो है ना, मैं भी आपको ये बोलती हुई नजर आए, 2.0 वर्जन वर्जन नया वर्जन आ रहा है भाई इसका, 2024 में 2024 न्यू वर्जन मारवी जी का आने वाला आपको दिखने को मिलेगा, तो आपको तो फुल टू एक्साइटमेंट होनी चाहिए इस चीज की, क्योंकि एक मिनट में खांसी कर लूं फिर, क्योंकि ना खांसी भी करना जरूरी है ना, मेरे असा रुक जाएगा वरना, तो फिर उसके बाद अच्छा मैं कहाँ पहुंची थी, क्योंकि ये पता है क्यों, क्योंकि ना जब पुतले बोलने शुरू होते ना तो रोग बहुत ऐसे होते हैं, ये वाली रिएक्शन आती है कि नहीं आती है, जैसे मैंने अभी दी डॉली, देखना किधर चली डॉली को, कपड़े नहीं तो धो धो के बाहर आ रही है डॉली, पूरा दिन लगी है कपड़े धोने, देखो आज डॉली ने पता क्या किया, मैं आपको बताती हूँ, कपड़े धो ही थे, मैं सही बात बताऊं इसके और मेरे सिर्फ इतने ही कपड़े थे, डॉली ने पता नहीं कहाँ कहाँ से कपड़े निकाल निकाल के ढेर लगा दिए, आज बोलती है आज पता है क्या है डॉली क्या चाहती है, डॉली चाहती है मैं न्यू ईयर में कोई कपड़े को हाथ नहीं लगाऊं, कामकाजी नहीं है ये, न्यू ईयर से 2024 से पहले जितने कपड़े है ना सारे धोना चाहती है बस, उसके बाद इसका रेजोल्यूशन है मैं उसके बाद कोई कपड़े नहीं धोने वाली हूँ, आज धुला दो मुझे जितने धुलाने, तो इसीलिए कहती है हाँ, कह रही है हाँ ठीक है, पानी में बार बार जाना पड़ता है भाई, ये भी चीज है, ठीक है? वो अच्छा नहीं लगता पानी में बार बार जाना, तो ये भी सही बात है यार, मछली जल की रानी ये मगरमच्छ है, पानी से बाहर रहेगा, हाँ क्या पता 2024 में कब कब पानी में जाए, खाना गया हमने, हमने नहीं दिमाग दो नहीं, हमने खाना है, हमने ना राजमा हमने कल के बनाए हुए हैं, उसी में ना चावल को चोल मचोल के खा लेंगे, इतना कौन से अप्पा करे, आप भी तो ऐसे करते होंगे ना कि नहीं करते हो, रोटियां रोज रोज मुझे बताओ बनाता है कोई, नहीं बनाता है यार, हम एडजस्टमेंट करने वाले बंदे हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, हम ना जैसे रात को कुछ बनाया तो सवेरे या दिन को उसी में चोल मचोल के खा लेते हैं ना डॉली, ऐसे करते हैं हम लोग, है ना? तो क्योंकि बार 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 रोटियां कौन बनाए, तो ये भी तो अप्पा होता है नहीं, तो फिर उसके बाद दाल हमने अच्छी खासी नहीं बनाई थी, उतनी बनाई थी दो डांग निकल जाए हमारे, तो नहीं यार इंडियंस मैक्सिमम ऐसे ही करते हैं गाइस, डांग मींस
समझ आ रही है आपको? डंग मींस वो डंग नहीं जो सांप मारता, डंग मींस की टू टाइम्स हम उसको कर लेते हैं, चाहे आप वो डे या नाइट कर लो या फिर नाइट एंड मॉर्निंग कर लो, जो भी है ना आप, हम अपने अकॉर्डिंग करते हैं, आप भी कर लिया करो कभी कभी, ऐसे महंगाई बड़ी हो गई है ना इसीलिए। तो फिर मोदी जी तो हमारे पे इतने मेहरबान है, तो फिर ये करना ही पड़ेगा हमें, बड़े चावल बना लेंगे हम, बनाए थे हमने कल, वो लिगड़ हो गए थे। नहीं नहीं पता क्या यार, वो मेरे को ना समझ नहीं आया पंजाब के चावल, मुझे समझ नहीं आया, कहती घर के चावल है। नहीं नहीं यार मेरे को ना चावल का समझ नहीं आती क्या करना है क्या नहीं, मैं अपनी तरफ से मुझे ऐसा लगता है वो हार्ड है, तो मुझे लगता है बड़ा टाइम लगेगा इसको, इतनी वो है ना लड़की को तारीफें सुनने की हमारा मुंह थक जाए, पर ये लड़की ना अभी तारीफें सुनने से बाज नहीं आती है। किसकी जिसने तुझे बनाया, टन टन लाइट आ रही है, क्या करूं यार लाइट आ रही है क्या करूं, आईफोन तो है नहीं मेरे को, आईफोन के पैसे नहीं है मोए में, आईफोन का छोटा सा फोन है, मैं इसमें एडजस्ट करती हूं, आप भी करो मेरे साथ, अगर मैं एडजस्ट करती हूं आपको भी मेरे साथ एडजस्ट करना हर चीज में, ठीक है, क्योंकि वी आर फैमिलीज ना, इसलिए इसलिए हम लोगों को एडजस्ट करना है, हम लोगों को एक साथ चल के चलना है साथ में, ठीक है। हम लोग बताते हैं आपको फिर हम क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं बाहर की नहीं जा रहे हैं ये सोच, शाम हो चुकी हुई है, तो मैंने स्पेक्स इसलिए लगाए थे क्योंकि ना मैं एडिटिंग कर रही थी, मैं आपको किचन लेके किचन में लेके जा रही हूँ, देखते हैं किचन में क्या बन रहा है। क्या बना रहे हो? पास्ता। क्या क्या हो गया? पास्ता, पास्ता के लिए क्या किया हम, क्या काम चोर बंदा ये दिख रहा है, हमने इसको बोला था इंग्रेडिएंट्स हमने सारे रेडी किए हुए हैं, तो आके तुमने बनाना है। ये देखो ये जो बंदा है ना इतना बिजी है, गाड़ी वाली क्रीम क्यों नहीं लाई आप लोगों ने, हलवा तो दिखाया है नहीं हमने, हलवा बना लिया हुआ रेडी हो गया हुआ हलवा हमारा, चेक करो प्लानिंग कुछ नहीं है हमारी अभी, हम लोग आज बाहर नहीं गए, ठंड बहुत थी, हेल्थ भी ठीक नहीं थी इसलिए नहीं गए, ड्राइवर भी आज इतना बिजी था, मैंने इसको मैंने मना कर दिया, मैंने नहीं देने इनको कोई पैसे वैसे, काम वाम मेरा कोई करता ही नहीं है, ना मेरी एडिटिंग करते हैं ना कुछ करते हैं, मैंने इसकी पेमेंट रखी थी बड़ी अच्छी खासी, ठीक है बताऊंगी नहीं, ये टॉप सीक्रेट, इसमें हम लोग सैलरी क्या फिक्स की हुई है वो आपने मेरे को बतानी है। क्या कर रहे हैं हम, न्यू ईयर की तैयारी कर रहे हैं, ये देख सकते हैं आप बैलून फुलाए जा रहे हैं, 31st जैसे 12 बजेंगे ना वैसे ठंड होगा, तो अभी ना हम ना एक चीज करने वाले हैं, क्या ना ये सबने अपना बैलून पकड़ लिया हाथ में, साथ साथ में आ जाइए सारे, अभी हम सारों ने बैलून ले लिया है अपने हाथ में अपना अपना फेवरेट कलर, अब हम इसको फुलाएंगे, देखते हैं कौन सबसे ज्यादा जल्दी फुलाता है इसको, चलो 1 2 3 स्टार्ट। आप ना फेयर डिसीजन लेना, आप ये बताओ विनर कौन है, ठीक है। सो हमने कर ली है तैयारी सारी, ये देखो हम सब रेडी है न्यू ईयर के लिए, हम यहाँ पे करेंगे केक कटिंग जी, केक दिखा दो, कुछ स्पेशली केक था, ठीक है ये देखो यहाँ पे लिखा है हैप्पी न्यू ईयर, तो ये तो लिखा ही लिखा होता है, आप ये चेक करो गाइस सारे ब्लॉग, मेरा नाम यहाँ पे केक पे लिखवाया गया है, जिसने भी लिखवाया है वो है ये ब्रो, थैंक यू सो मच। 1 2 3
थ्री स्टार्ट हैप्पी न्यू ईयर गाइस। हमारी डाली खाएगी, ये वही है डाली 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 डाली। अब हम खिलाए गए, इतने बेशर्म है, इन्होंने मेरे ब्लॉगर को की इज्जत ही नहीं है ब्लॉगर की, ब्लॉगर खुद ही खा लेगा। अब ने आप खा लो। हेलो गुड मॉर्निंग सबको जी। तो कल रात को क्या हुआ कि हमने ना बहुत तबाही मचाई हुई थी, तबाही मचाते मचाते ना सब डेड हो गए, तो इस वजह से ब्लॉग का एंड नहीं हुआ। तो मैं आपको बताती हूँ जो तबाही हमने कल मचाई हुई ना रात को, ये देखो जी। तो ये तबाही हमने अभी ना साफ करनी है। आज फर्स्ट है, विश यू मैनी 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 हैप्पी न्यू ईयर। तो करते हैं कल के ब्लॉग का एंड। अगर आपको कल की हमारी मस्ती या कुछ भी इतनी तो की नहीं थी, हेल्थ बड़ी इशू थी। तो कल का ब्लॉग अगर आपको हमारा अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन भी प्रेस कर दो जी ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पर आ जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल।